हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो फिर से आपके अपने चैनल पूनम तड़का किचन में आज हम बनाएंगे पोटैटो नगेट्स। ये हमारे बिल्कुल चीज़ी नगेट्स होंगे, बनाने में बिल्कुल आसान और खाने में एकदम टेस्टी और चीज़ी। आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, ये सबको घर में बहुत पसंद आने वाली है। आप इस रेसिपी को पूरा देखिएगा और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हमारे ये इजी और चीज़ी नगेट्स। इसे बनाने के लिए हमने लिए हैं 3 उबले हुए आलू, उनको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। मैं इसे हाथ से अच्छे से मैश कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे फोर्क से कर सकते हैं। इसे हमें अच्छे से मैश कर लेना है, कोई भी इसके अंदर हमारी गुठलियाँ ना बचें। अभी हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को हमने बिल्कुल अच्छे से बारीक बारीक काट लिया है। अभी हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ता, टेस्ट के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें डाला है हमने थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ। थोड़ी सी हमने डाली है मिर्ची, चिली फ्लेक्स थोड़े डाल दिए हमने। अब हम डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और अभी हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर, और इसमें हमने 1.5 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर डाला है। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर, आप चाहें तो इस जगह मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से बाइंड कर लेंगे, हल्के हाथ से इसे मिक्स करेंगे। अगर हमें लगे कि इसमें थोड़ा सा हमारा पेस्ट थोड़ा सा पतला है, चिपचिपा है, तो हम इसमें थोड़ा सा मैदा या कॉर्नफ्लावर और डाल सकते हैं। ये देखिए, हल्का सा हमारा पेस्ट चिपचिपा था तो हमने इसमें ब्रेड क्रम डाल दिया है। तो आप चाहें तो ब्रेड क्रम डाल सकते हैं, मैदा थोड़ा यूज़ कर सकते हैं और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से डाल के इस तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमें इसके बॉल्स बनाने हैं। आप चाहें तो इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, आप इसे गोल भी बना सकते हैं। अभी हम इसमें बीच में यहाँ पे हम डालेंगे इसमें चीज़। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं लगेगा इसमें, हमें बस 1 या 2 स्लाइस चाहिए होंगे चीज़ के, और उसी में हमारे 10 से 20 नगेट्स बनके रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमें थोड़ा सा इसमें स्पेस बनाना है और हम इसमें डालेंगे हमारा चीज़, और इस तरह से इसको दोबारा से हम फोल्ड कर देंगे। इसी तरह से हमने हमारे सारे नगेट्स बना के रेडी कर लिए हैं। ये हमारे सारे बॉल्स रेडी हैं, अब हम इनको रख देंगे फ्रीजर में थोड़ी देर के लिए। मैंने इन्हें सेट होने के लिए रखा था कम से कम आधा घंटा। उसके बाद हम इसे इस तरह से हल्का हल्का सा हमने कॉर्नफ्लावर के घोल में इसे डिप किया, और फिर हमने इस पे लगाया ब्रेड क्रम, और अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं तेल में। तो ये देखिए, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद डालना है, और उसके बाद हमने गैस को कर दिया है धीमा, तो हम इसे स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। इसे हम स्लो फ्लेम पे पकाएंगे तो इससे ये हमारे जो बॉल्स हैं, नगेट्स हैं, ये बनेंगे हमारे बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी। तो इसे इस तरह से एक बार सेट हो जाए एक साइड से, उसके बाद हम इसे पलट लेंगे, और इसी तरह से पलट के हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने में कम से कम 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। तो अभी हमारे ये नगेट्स बनके रेडी हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इस पर कलर आया है ब्राउन, और बहुत ही चीज़ी और टेस्टी बने हैं। अभी हमारे ये टेस्टी पोटैटो बॉल्स हो चुके हैं रेडी, और चीज़ इनके अंदर हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो आप भी बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स के साथ पोटैटो बॉल्स नगेट्स बना के रेडी कर सकते हैं घर पे ही, आपको बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ कितने क्रिस्पी बने हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।